नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत लुमिनस स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरा मेरी दो सहयोगी हिमानी और सुजाता चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही हैं। सातवें चरण का मतदान चल रहा है, हर चरण पर बड़ी खबर और बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले शाम 5 बजे से आज जरूर देखिए डबल एग्जिट पोल, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ सबसे बड़े चुनाव का सबसे सटीक अनुमान आज आपको बताने वाले शाम 5 बजे से लगातार। लेकिन पहले 5 मिनट में 25 अहम खबरों पर इस वक्त की नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया मतदान। वोट डालने के बाद रिपब्लिक भारत से बोले अनुराग ठाकुर, कहा अच्छी सरकार के लिए लोग कर रहे हैं वोट, जनता के आशीर्वाद का है भरोसा। देश को और गति मिले जैसा पीछे देखा है और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए लोग अपना योगदान देने वाले। एग्जिट पोल की डिबेट से कांग्रेस की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला, कहा हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को अपनी हार का सामना करने का साहस दिखाना चाहिए। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। वोट डालने के बाद कहा हिमाचल की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, साथ ही लोगों से वोट करने की अपील की। जेडीयू प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य ने भी मतदान किया। राबड़ी देवी ने कहा हम बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे, सत्ता में आएगा INDI गठबंधन। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण और झूठ की राजनीति करता है विपक्ष। झूठ की राजनीति करके लोगों को अनपढ़ रखने के ये लोगों की राजनीति रही, जात पात की तुष्टीकरण की राजनीति रही और मोदी जी ने उन सारी चीजों को धो दिया। विकास विराट सत्यता दिखाया और उसके बाद से इन लोगों को अपनी राजनीति का अंदाज ही लोग भूल गए। मिर्जापुर से एनडीए उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने जीत का दावा किया, कहा बीजेपी बनाएगी हैट्रिक, 4 जून का करें इंतजार, सब कुछ हो जाएगा साफ, INDI गठबंधन ताज के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी मिथुन चक्रवर्ती ने डाला वोट, कहा मैंने मेरा राजनीतिक कर्तव्य पूरा किया। मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। बलिया में ओपी राजभर ने मतदान किया। वोटिंग के बाद लोगों से मतदान की अपील की, कहा बेहतर भविष्य के लिए डालें वोट। पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी सांसद हरभजन सिंह ने जालंधर में डाला वोट, लोगों से की वोट डालने की अपील, कहा बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में लें हिस्सा। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भरी तादाद में आए मतदान करें। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अफजाल अंसारी भी वोट डालने पहुंचे, वोट डालने के बाद लोगों से मतदान की अपील भी की। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने लोगों से की मतदान करने की अपील, कहा देश के भविष्य और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करें। पश्चिम बंगाल के जयनगर में चुनाव के दौरान बवाल हो गया, बीजेपी के बूथ एजेंट को पीटने का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पीटने का आरोप लगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता सरकार पर गंभीर आरोप, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा ममता सरकार के निर्देशों पर बूथ एजेंट्स को धमकाया और डराया जा रहा है। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी की मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी की मां पर ब्लड सैंपल बदलवाने का आरोप। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन में लगी आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। यूपी के बहराइच में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई, आग लगने से अफरा तफरी मच गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दुष्कर्म और लूटपाट के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत, पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हुआ था आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 15,000 के इनामी बदमाश के साथ 3 गौ तस्कर गिरफ्तार।
गाजा में जारी युद्ध के बीच न्यूयॉर्क शहर में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। युद्ध रोके जाने की मांग के साथ सड़कों पर तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। गाजा में हमले जारी हैं इसराइल की तरफ से। हमास की सुरंगों पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ प्रहार किया। इजरायली सेना ने कहा हमारा मिशन स्पष्ट है। तो सातवें चरण के लिए लगातार वोटिंग हो रही। इस बीच मंडी में कंगना रनावत भी अपना मतदान करने पहुंची और उन्होंने वोट करने के बाद जीत का दावा किया है। कहा है कि जनता आशीर्वाद लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मतदान के बाद कंगना रनावत ने कहा है कि जीत होने वाली है। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की लोगों से अपील भी कंगना रनावत करती नजर आई और यह भी कहा कि हम मोदी जी की सेना है। तो मतदान करने के बाद जीत का दावा, जीत का भरोसा जाहिर कर रही है कंगना रनौत। मंडी से इस बार प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में हैं। वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का। और रिपब्लिक भारत से बोले रविशंकर प्रसाद, जनता मजबूत सरकार चाहती है, बिहार में 40 की 40 सीटें मिलेंगी, ये दावा करते हुए नजर आए। जनता 4 लाख के मार्जिन से जिताएगी। रविशंकर प्रसाद ये मार्जिन बताते हुए कि 4 लाख के मार्जिन से जिताएगी।